मतलब जंग बहुत बड़ा टफ होगा बिटवीन ये शिवसेना और ये शिवसेना, और जो जीतेगा वही असली शिवसेना कहलाएगा। सब मोदी का नाम लेंगे, सब बाला साहब ठाकरे का नाम लेंगे और सब दिए साहब का नाम लेंगे। हाँ तो तुम्हारा काम क्या है वो दिखाओ ना हमको। ओला उबर ला आमचा विरोध नाही आहे, पण स्थानिकांना द्या ना, ठाण्यातल्या गाड्या ठाण्यात चालू द्या, पण ठाण्याच्या बाहेरच्या गाड्या येऊन प्रत्येक जिल्ह्यातल्या गाड्या येऊन मुंबईमध्ये ट्रॅफिक करतायत त्याच्यावरती कोण काय बोलतच नाहीये। नमस्कार दोस्तों, मैं सायली चाड़के और आप देख रहे हैं एमबी लाइव। दोस्तों 20 मई को होने वाले चुनाव को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां हमारे सामने आई, बहुत सारे मुद्दे हमारे सामने आए। आज मैं थाना में हूँ, थाना स्टेशन के जो थाना स्टेशन का जो परिसर है वहाँ पे हम लोग लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, वहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। थाना जो है लोकसभा चुनाव के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ऐसा एरिया है, बहुत सारे चर्चा यहाँ पे हुई थी उम्मीदवारों को लेके, उम्मीदवार निश्चित नहीं हो रहे थे थाना से, पर अभी थाना से उम्मीदवार निश्चित हो गए हैं। शिवसेना विरुद्ध शिवसेना ऐसी जंग देखने मिलने वाली है थाना के इधर। यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे, यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोग किसको सपोर्ट करने वाले हैं, किसको अपना उम्मीदवार चुनने वाले हैं। चलिए आइए बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? साईनाथ। क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में कौन आएगा? इस बार मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, 400 पार होगा जी। अभी थाना में जो है शिवसेना विरुद्ध शिवसेना ऐसी जंग देखने मिलने वाली है, तो क्या लगता है कौन आएगा थाना से? थाना से तो नरेश मस्के जी जो है शिवसेना की कैंडिडेट, वही जीत के आएंगे। पर राजन विचारे जो है गए बहुत सालों से यहाँ से जीत के आ रहे हैं, तो वो नहीं लगता आपको वो जीत के आएंगे? राजन विचारे जी जो अभी पक्ष छोड़ के गए हैं जो यूबीटे में है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जो शिवसैनिक है वो ये जो अपने विचारधारा है आनंद दिघे साहब के उसके ऊपर चलने वाले हैं, और इसीलिए जो पक्ष से हमारे एकनाथ शिंदे साहब है उस पक्ष से रिलेटेड जो कैंडिडेट हमने चुना है नरेश मस्के जी को, वही जीत के आएंगे। वही जीत के आएंगे। यस जी, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। सर क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम नील गुप्ता है जी। क्या लग रहा है अभी जो लोकसभा चुनाव होने वाला है 20 मई को, यहाँ से शिवसेना विरुद्ध शिवसेना ऐसी जंग देखने वाली है, तो क्या लगता है उस बारे में? मैं अंधेरी में रहता हूँ, वहाँ पे भी वैसा ही कुछ हाल है, शिवसेना वैसे शिवसेना, तो लोगों के मन में तो क्लियर है कि बीजेपी आने वाला है, बीजेपी आने वाला है। पर यहाँ का अगर हाल देखे थाने तो गड़ी है एकनाथ शिंदे साहब का, तो चांस ही नहीं है दूसरा किसी का, दूसरा किसी का चांस नहीं। पर इतने सालों से जो है राजन विचारे जी है जो जीत के आते हुए, वो आपको नहीं लगता इस टाइम आएंगे? एकनाथ शिंदे साहब खुद इधर के है शिवसेना के, तो उनका तो गड़ी है टीम बिना का, तो चांस नहीं है किसी और का, चांस ही नहीं है। एकनाथ शिंदे नरेश मस्की आएंगे जी। थाने के विकास के बारे में क्या कहेंगे आप? थाने में विकास तो ऐसे, मैं जैसे आपको बताया कि मैं अंधेरी में हूँ तो इतना कुछ आइडिया नहीं है मुझे यहाँ का, लेकिन काफी हद तक पहले जो कॉर्पोरेट था सिर्फ साउथ साइड, साउथ मुंबई साइड में था, वो शिफ्ट हो गया अभी ट्रेडिशनली यहाँ पे भी है, तो अच्छा विकास तो यहाँ पे अच्छा है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? प्रकाश कदम। क्या लगता है अभी लोकसभा चुनाव है 20 मई को, तो किसका पर्दा ज्यादा भारी लग रहा है यहाँ पे? यहाँ मैं तो नई मुंबई का है जी, तो नई मुंबई में किसका हवा है अभी? नई मुंबई में तो राजन विचारे, राजन विचारे, यहाँ पे भी तो कैंडिडेट राजन विचारे ही है। हाँ वही है, लोग तो यहाँ पे वही आएंगे लगता तो है, ये अपोजिट कैंडिडेट नया है। हाँ जी, हाँ उनका, उनको ही पहचान नहीं है सबको, इसलिए। और ये राजन विचारे तो तीसरी टर्म है, इसे मुझे लगता है राजन विचारे ही आएगा। क्या लगता है थाने के विकास के बारे में, इतने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं या फिर ये देख रहे हैं थाने को, तो उस हिसाब से अभी क्या लगता है? डेवलप हो रहा है थाना, हो रहा है। अभी शिंदे जो शिवसेना है दो गुटों में बटी हुई है, एक शिंदे सरकार है और एक उद्धव सरकार है, तो क्या लगता है किसका पर्दा ज्यादा भारी लगेगा अभी लोकसभा के हिसाब से? उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे का, उद्धव ठाकरे। ठीक है, ठीक है जी। आपका नाम? कुलदीप। क्या लगता है अभी लोकसभा इलेक्शन है 20 मई को, इलेक्शन होने वाला है, नो कमेंट, तो बीजेपी, बीजेपी, बीजेपी क्यों लग रहा है भाई आपको? बीजेपी बस लग रहा है मेरे को, अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव विकास हो रहा है, विकास सब एकदम हो ही रहा है। पर लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार आने के बाद महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, पर डेवलपमेंट भी तो हुआ है। आप थाना में रहने वाले हो? थाना में? नहीं, पालघर डिवीजन में।
तो वहाँ से कौन से उम्मीदवार है अभी? मीन्स उम्मीदवार इलेक्शन के लिए हमारे यहाँ पे नगर अध्यक्ष होता है जी, जी। तो वहाँ पे जैसे कि श्री भरत राजपूत सिंह बीजेपी की ओर से है, बीजेपी की ओर से उन्हीं को वोट लेंगे। आपको पता है इसकी थाना सीट के लिए बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था, महायुति का कैंडिडेट डिसाइड नहीं हो पा रहा था, ये सीट बीजेपी और शिवसेना जो शिंदे सरकार वाली है उनमें बहुत बहस चल रही थी कि ये सीट उनको चाहिए थी, पर अभी शिंदे सरकार के हाथ में ही है, तो उसके ऊपर आपको नहीं लगता कि इन दोनों में बहुत सारे मतभेद है? अभी आई है ठीक है सीट, तो फिर भी इसके बारे में आपका क्या कहना है? पार्टिकुलर एक एक चीज के लिए मैं नहीं बोल सकता, पर ओवरऑल इंडिया के डेवलपमेंट के लिए बीजेपी का सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा है जी। और क्या बड़ा भाई, डेवलपमेंट हुआ है, मतलब बहुत कुछ करा, ग्रोथ तो किया है, तो कम हुआ ही है, उतना नहीं हुआ है पर थोड़ा बहुत तो कम हुआ है। तो अभी तीसरी बार पंतप्रधान अगर मोदी बने तो विकास हाँ, अच्छे होगा, से होगा होगा होगा, हमारा इकोनॉमी बूस्ट हुआ है और फिर बाकी बाहर के नेशन से हमारा रिलेशनशिप भी अच्छा ही है जी, तो फिर अच्छी बात है ना, पहले से डेवलप तो। तो मोदी इस बार 400 पार करेंगे? 400 पार करने में आएंगे जरूर, आएंगे 400 के कम ही रहेंगे क्योंकि जो उनके काउंटर पार्ट में जो है वो भी स्ट्रॉन्ग है अपने पॉइंट को लेके। दादा क्या नाम है तुमसे? अमित छेड़ा। छेड़ा, क्या लगता है अभी लोकसभा इलेक्शन नजदीक है, 20 मई को इलेक्शन होने वाला है, थाना में खास करके शिवसेना विरुद्ध शिवसेना ऐसी जंग दिखने वाली है? एक टाइम ऐसा देखने जाए तो बहुत बड़ा टफ है क्योंकि वोटिंग बहुत कम हो रहा है बिकॉज ऑफ गर्मी, और अभी तक पब्लिक भी इतना कन्विंस नहीं हुआ है कि किसको देना है। देखे जाए तो यहाँ पे तो ऐसे शिवसेना ही गढ़े थाने में, लेकिन यह समझो एकनाथ जी शिंदे भी वन साइड है और सामने समझो उद्धव ठाकरे जी भी थोड़ा टफ दे सकते हैं उनको, तो ये टाइम इनका 50-50 मतलब जंग बहुत बड़ा टफ होगा बिटवीन ये शिवसेना और ये शिवसेना, और जो जीतेगा वही असली शिवसेना कहलाएगा। वही असली शिवसेना का, असली शिवसेना के लिए यहाँ पे अभी जंग छिड़ रही है कि कौन असली कौन नकली। अभी जो टीका टिप्पणी हो रही है दोनों को लेके, दोनों भी कैंडिडेट थाना से ही है और राजन विचारे तो 3 बार जीत के आए हैं यहाँ से, तो ये टीका टिप्पणी जो हो रही है कितनी सच है कितनी झूठ है? अभी ये तो हम एक्चुअली बता नहीं सकते, ये तो अभी इन लोगों का अंदरूनी मैटर है जी। हम तो देखो बाला साहेब को मानते हैं, आनंद जी के साहब को मानते हैं, अभी एकनाथ सीतन जी ने भी अच्छा काम किया है, राजन विचारे जी ने भी अच्छा काम किया है, लेकिन अभी पब्लिक कितना उनके साथ है अभी तो रिजल्ट में ही समझ में आएगा इस चीज ऐसा। थैंक यू। जैसे कि आपने देखा अभी जो भाई साहब बोल रहे हैं कि दोनों भी कैंडिडेट बहुत स्ट्रांग है, दोनों भी कैंडिडेट थाना से ही है, दोनों के भी चेहरे यहाँ पे नोन है, नरेश मस्के जी ने भी बहुत काम किया है यहाँ पे और राजन विचारे जी ने भी बहुत काम किया, और भी लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? विनय खरशेल राउत। क्या लगता है इस बार लोकसभा इलेक्शन में थाना का हवा बहुत ज्यादा बहुत चर्चे में है थाना, तो अभी क्या लगता है किसके साइड में आएगा रिजल्ट? रिजल्ट अभी क्या, पब्लिक का इंटरेस्ट तो होना चाहिए इसमें इलेक्शन के टाइम, अभी जैसा जिसका काम अच्छा है उसको पब्लिक वोट करेगी और ज्यादा से करके अभी ये टाइम मेरे को लगता है परसेंटेज बहुत कम रहेगा क्योंकि अभी ये महंगा है और लोग बहुत छुट्टी पे जा रहे हैं जी। इसका जो तरीका अभी जो इसके पहले ही लेना चाहिए था इलेक्शन, ठीक है अभी जो कुछ भी आएगा ऊपर वाले के मर्जी से आएगा। थाना में जो है अभी शिवसेना विरुद्ध शिवसेना ऐसी जंग छिड़ने वाली है, कौन असली शिवसेना कौन नकली शिवसेना इसके ऊपर बहुत चर्चा हो रही है, तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? देखो अगर मेरा तो पहले से है कि जो मैं तो हमेशा कभी पक्ष देख के नहीं आया, मैं जो काम करेगा भले वो MIM का रहने दे नहीं तो RPI का रहने दे, जो अच्छा काम करेगा उसको देने को बराबर है, और इस टाइम मेरे को लगता है संजीव नाइक साहब को तो टिकट मिलने वाला है, मैं बहुत खुश था कि मिलेगा उनको टिकट, ठीक है अभी मोदी साहब का भी काम अच्छा है, किसका भी काम है जिसका काम रहेगा अच्छा तो उसको ही वोट देंगे ना, अभी हमारे ठाणे से मस्के साहब है तो मस्के साहब थोड़ा इंटरेस्ट देंगे, हम लोग कुछ नहीं देंगे, विचारे साहब का भी काम अच्छा है, लेकिन इस देश के जो पंतप्रधान है उनका काम अच्छा होने के लिए किसको चुन के देना है उनको हम चुन के देंगे, वैसे विचारे साहब का भी काम अच्छा है, मस्के साहब को अभी कैसे BJP की तरफ से खड़े तो उनको देना हमको जरूरी लगता है, ओके बाकी हमारा काम तो अभी तो कोई कर नहीं रहे, लेकिन हम तो आपको नहीं लगता कि आप उम्मीदवार अगर डिसाइड करके दे रहे हो, आप वोटिंग कर रहे हो तो आपके पास भी उन लोग का ध्यान आना चाहिए, आपके ऊपर भी जो समस्या हमारे ऊपर, मैं बोलता हूँ सर्व सामान्य लोगों के ऊपर किसका ध्यान नहीं है,
अब ये लोग काम धंधा कर रहे, मैं मेरा काम धंधा कर रहे, इसके लिए जो अपना अपना काम धंधा कर ले, लेकिन देश के विकास के लिए जो काम करेगा उसके लिए लोग अपना टाइम निकाल के वोट करते हैं, वैसा मैं भी अपना थोड़ा बहुत टाइम निकाल के वोट करूंगा, लेकिन काम अच्छा करना मांगता है, क्योंकि सब क्या करता है 50% वोट तो मोदी साहब के तरफ से गिर पड़ता है, मतलब उनका नाम से। देखो ना, हमारा महाराष्ट्र है, लेकिन महाराष्ट्र के नेता लोग को चुन के आने के लिए बाहर के लोगों को इधर आके मतलब सभा विवाह लेना पड़ रहा है, तो अपने देश का कुछ तो ऐसा कोई ना कोई जैसा चाहिए था। पहले महाराष्ट्र के बाला साहब ठाकरे थे, तभी बाहर के लोग कोई नहीं आते थे, शिवसेना के लिए बाला साहब ठाकरे ही अच्छे थे, वही करते थे सब, लेकिन अभी वैसा कोई नहीं है ना, सब मोदी का नाम लेंगे, सब बाला साहब ठाकरे का नाम लेंगे और सब दिए साहब का नाम लेंगे। हाँ, तो तुम्हारा काम क्या है वो दिखाओ ना हमको, उनका काम क्या है, उनके नाम के आके कुछ मतलब नहीं, आप अपना काम दिखाओ, अपने काम से दिखाओ। इसलिए मैं कैसा है, जिसका काम अच्छा है उनको देंगे, अभी जैसे टाइम मिलेगा वोटिंग करेंगे, नहीं ऐसे नहीं, क्योंकि वोटिंग करना अपना अधिकार है और वो कैसा भी करना चाहिए, और मेरा खुद का जो ये है जो अच्छा काम करता है उसको भी वोट देने का। ओके, थैंक यू। पहले बहुत हो गए इलेक्शन विलेक्शन होता है, लेकिन लोगों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, उनकी समस्याओं क्या है। अभी ये लोग को कल उठा रहे थे 150 मीटर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो ठीक है, अभी ये फेरी वालों का मैं लीडर हूँ, लेकिन हमारा अभी तो काम नहीं ना बन रहा है थाने महानगर पालिका से। मैंने भी 14 दिन का उपोषण विपोषण की है, तो कुछ रिजल्ट नहीं आया। तभी एकनाथ शिंदे पालक मंत्री थे, अभी तो मुख्यमंत्री है, लेकिन मुलाकात नहीं हुआ, लेकिन समझना मांगता है कि बहुत तकलीफ होते है नीचे वाले लोगों को। बाद में अब मोदी अच्छा काम करे, मतलब मोदी जो योजना है आत्मनिर्भर योजना स्वनिधि से, उनका हमको स्वनिधि से हमको पैसा मिलता है, हाँ, तो उसका जो लोन है वो हमको भरना पड़ता है ना, अगर आपने धंधा करने को नहीं दिया तो हम पैसा कैसा भरेंगे। बराबर है जी। जैसे कि काका का आपने सुना, वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लाई है, बहुत सारी चीजें लाई है, पर उसका अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बस योजना ना निकाले उसके ऊपर जो है, लोगों को कैसे वो यूज करना है, लोगों को कैसे वो हैंडल हो सके, इसके बारे में भी जानकारी दे। और भी 2-3 लोगों से हम बात करेंगे, यहाँ पे कुछ लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। काका, आपका नाम? हेमंत ठक्कर। क्या लगता है अभी की लोकसभा चुनाव में आपको कुछ परेशानियां हैं थाना से जो है? के बारे में हम तो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन ये हम लोग ओला उबेर जो आती है तो हमारे धंधे की हालत खराब होता है हमारा। उसके लिए कोई आया है आपको पूछने? कोई नहीं है, कौन आते इधर पूछने को? सरकार से कुछ आपकी बात करना चाहते हैं, कुछ आपकी? वही बोल रहा हूँ, जो ओला उबेर है वो बंद करो तो हमारा धंधा चालू होगा इधर। आप यहाँ के थाना के रहने? हम लोग आखा का दिन खड़े रहते हैं यहाँ पे, ओला उबेर वाला आता है भाड़ा लेके चला जाता है जी, तो हम क्या करेगा जी। ओला उबर येतात इथे, त्यांचा आम्हाला काही प्रॉब्लेम नाहीये, पण ओला उबर स्थानिक लोकांना द्या ना, या MH50 MH19 गुजरातच्या गाड्या रत्नागिरीच्या गाड्या येऊन सिटी मध्ये एकदम म्हणजे ट्रॅफिक वगैरे करतात। तुम्ही स्थानिक लोकांना, ओला उबरला आमचा विरोध नाहीये, पण स्थानिकांना द्या ना, ठाण्यातल्या गाड्या ठाण्यात चालू द्या, पण ठाण्याच्या बाहेरच्या गाड्या येऊन प्रत्येक जिल्ह्यातल्या गाड्या येऊन मुंबईमध्ये ट्रॅफिक करतायत, त्याच्यावरती कोण काही बोलतच नाहीये, हाच आमचा मोठा प्रॉब्लेम आहे। आणि येऊन म्हणजे कसं, त्यांना ना मीटर दिलेले आहेत, ना त्यांना ड्रेस दिलेले आहेत, ना त्यांना बॅच दिलेले आहेत, ना कुठलाही त्यांना म्हणजे काही ऑप्शन नाही आहे गव्हर्नमेंटचं, तरी पण ते कमीमध्ये धंदा करतायत, त्याचा उपयोग काय, त्याच्यामध्ये आम्ही भरडले जातोय, हा एक आमचा मोठा प्रॉब्लेम आहे। आणि इलेक्शनबद्दल काय ज्याच्या त्याच्या मनात आहे तो आपला मत त्यांनाच देणार आहे, आम्ही बोलून काय, तो मत यांना त्यांना द्या, असं काहीच इश्यू नाही आहे त्याच्यामध्ये। प्रत्येक माणूस प्रत्येकाचा इश्यू आपापलं मत तिथे मांडणार आहे, फक्त एवढंच आमची समस्या आहे की ओला उबरला काहीतरी बंधन घाला, हीच आमची इच्छा आहे। आम्ही बोर्ड पण लावले बघा समोर, हे बघा तांबूळ बोर्ड लावले, तरी पण तो ऐकत नाही, मारामारी कोण करणार? आम्ही इथे इथे जे सरकार आहे ते येऊन तुमचा प्रॉब्लेम जाणून घ्यायचा प्रयत्न केलाय का? फक्त बोलतो, हा हवालदार आहे, हवालदार बघा झाडापाशी बसतो, बघा जाऊन तो आम्ही जाऊन मारामारी करायला, आमच्याकडे लायसन्स आहे, आमच्या
ओला उबेर साठी इतना भाड़ लोकल पण भाड़ा है जे आहेत ते स्वतः रिक्षा चालक होते मुख्यमंत्रींच्या टायमामध्ये मॅडम काल वेळ वेगळा होता त्यावेळेला त्यांनी चालवली ते मोठे झाले आम्हाला आनंद आहे त्याचा आणखी त्यांनी मोठं व्हावं पण त्यांच्या वेळेला ह्या ओला उबर वगैरे ह्या काहीच नव्हतं हा ऑप्शन काहीच नव्हतं पण ओला उबरला मी पुन्हा सांगतोय ओला उबरला आमचा विरोध नाहीये पण स्थानिकांना ओला उबरला तुम्ही परमिशन द्या ना ते MH50 MH गुजरातच्या गाड्या केरळाच्या गाड्या युपीच्या गाड्या आणि आम्ही जर आमची टॅक्सी घेऊन गुजरात बॉर्डर क्रॉस करायला गेलो तर आमच्याकडे टीपी मागतात आम्ही टेम्पररी परमिट घेऊनच जातो म्हणजे आम्ही जिथे जायचं तिथे लिगलीच जातो ह्या लोकांना बंधन नाही आहे ना तेवढं त्यासाठी त्याच्यावर काहीतरी सरकारने पर्याय काढावा की बाबा आमचं पण पोट भरू द्या त्यांचं पण भरू द्या आम्ही असं नाही म्हणत की त्यांना बंदच करावा म्हणून त्याच्यामुळे बघा आता सरकारने जे आम्हाला मीटर दिलं आम्ही इथून घोडबंदरला 10 किलोमीटर गेलो तर नेट 320 ते 330 रुपये बिल मीटरने होतं त्यांना 110 रुपयात पाठवतात कुठल्या बेसवरती पाठवतात 120 लास्ट त्यांचं हा कोणता नियम आहे जर असेल तर रितसर द्या ना जे आम्हाला दिले ते त्यांना द्या जे आमचा धंदा होईल तो त्यांचा होईल जिथे कमी तिथे पब्लिक आम्ही पब्लिकला जिथे कमी असतं तिथे पब्लिक खूप असतं आमच्याकडे कोणी 2-2 दिवस आमची बोनी होत नाही मॅडम आता हे सरकारपर्यंत तुम्ही पोहोचवायचं आहे आमची इच्छा आम्ही मांडलेली आहे बस धन्यवाद जैसे कि आप लोगों ने देखा कि लोगों की समस्याएं है यहाँ के स्थानिक लोग हैं स्थानिक टैक्सी ड्राइवर है उनकी जो समस्याएं है वो चाहते हैं कि सरकार उन्हें सॉल्व करे सरकार उनकी बातें सुने 4 जून को होने वाले इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि थाने जो है वो किस शिवसेना का है शिंदे शिवसेना का है या फिर उद्धव ठाकरे शिवसेना का है वीडियो जर्नलिस्ट ओमकार सावंत के साथ मैं सायली चाळके MB लाइव